Today we are going to start a new topic, that is oscillation. So first of all, we will define certain terms related to oscillation. So what is periodic motion? Periodic motion kise kehte hain? Any motion that repeats itself in equal interval of time is called a periodic motion. जैसे हम लोग simple harmonic motion में देखते हैं, simple pendulum का example में, ये अपना मीन पोजीशन पे बार बार ऑक्सीलेट करता है, इस तरह का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन? ए पार्टिकल इन ए पीरियोडिक मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की ओर जब वो मूव करता है ओवर द सेम पाथ इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। सेम एग्जाम्पल इज ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड द सोनोमीटर वायर्स इन विच द मोशन इज a oscillatory motion. Now, in physics, all these type of motions are classified in simple harmonic motion. This is also called SHM. So, SHM is defined as the motion in which the acceleration is always directed towards the fixed point. Acceleration जो होगा वो motion की और होगा और इन द पाथ ऑफ मोशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट। एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अब एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम लोग देखें। सो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन एफ, से ए से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एफ से डिनोट किया है, एक्सेलरेशन एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। सो the particle is at point O and its acceleration is moving maximum point displacement positive x direction में A point पे और जा रहा है और negative x direction में हमारा A dash तक जा रहा है। दोनों point में हमारा जो acceleration है वो A से defined है, force है, force लगा है, body यहाँ पे था, force है, displacement हमारा x का है। So in this case, according to the definition of simple harmonic motion, F is proportional to minus of x. ये minus of x क्यों आया? So because displacement is, अगर force हम लोग लगा रहे हैं तो displacement जो होगा हमारा वो उसका opposite direction में होगा, so F is proportional to minus of x. When proportionality sign को हम लोग remove करेंगे तो F is equal to minus of mu x होगा। ये माइनस म्यू, म्यू एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एक्स। एफ, एफ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये चूंकि एफ यहाँ पे याद रखना है ये फोर्स नहीं है, फोर्स यहाँ एफ जो है मेरा एक्सेलरेशन है। सो बिकॉज डेफिनेशन सेज दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सो एफ इज प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये एफ जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। सो एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, एंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को फिर हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, सो इट इज माइनस म्यू बाई एक्स। सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे हमारा इक्वेशन माइनस म्यू एक्स को अगर हम लेफ्ट हैंड पार्ट में लेके आए तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस न्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी माइनस न्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, सीधा यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो और हम लोग जानते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, इसको हम लोग वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ मी एक्स। नाउ वी कैन राइट इट एज डी वी बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स से दोनों ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी डी वी बाई डी एक्स हो गया, dx by dt हो गया माइनस म्यू एक्स। अब हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, दैट मींस v वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ, तो dv v के साथ ये v का टर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं dx by dt का वैल्यू क्या होता है, ये होता है v, तो ये हो गया v into dv, और इस dx को हम लोग क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एक्स dx by dx।
यहाँ पे हमने वो लिखा भी है v इज इक्वल टू dx बाई dt. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट हम लोग करेंगे dv dv माइनस म्यू x dx, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि पहले हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया है, तो यहाँ पे सीधे से हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. c डैश इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि c का वैल्यू हम लोग पहले ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग c डैश को अलग से कंसिडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करें. सो द इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस म्यू, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c डैश. नाउ हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स c डैश. एंड 2 टाइम्स c डैश के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग एक कांस्टेंट यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एक्स स्क्वायर, और ये 2 c डैश के जगह पे हम लोगों ने यूज करेंगे यहाँ पे c. सो वेयर c इज द अनदर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट इट एज v स्क्वायर इज इक्वल टू c, c पॉजिटिव है तो c माइनस म्यू एक्स स्क्वायर. फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियरली सीन दैट एज x इंक्रीजेस v decreases, because here x, the value of x is minus of mu x square. तो जैसे भी x का value हम लोग increase करेंगे, v का value जो है वो decrease करेगा. Hence, it will be certainly that the maximum value of x when v will be zero. जब x का value maximum पहुंच जाएगा, तो v का value जो है zero जाएगा. Let the maximum value is a. This is called the amplitude of the simple harmonic motion. जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो कंडीशन यूज करें, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, यहाँ एक्सेलरेशन ये नहीं है, याद रखना है एफ जो है वो मेरा एक्सेलरेशन है, एफ फोर्स नहीं है, एफ मेरा एक्सेलरेशन है, और ए जो है यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड है. बहुत सारे बुक में ये कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाएगा. सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो v is equal to 0, v 0, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा. So now putting the value of this in the above equation, so it is v is equal to 0 put कर रहे हैं, c minus mu, और x के जगह पे a put कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा equation 0 is equal to c minus mu a square, और c is equal to mu a square. तो c का value जो constant of integration है, उसका value हमारा निकल गया mu times a square. So ये value हम लोग यहाँ पे substitute कर देंगे, तो ये वाली equation में c मेरा यहाँ unknown quantity है, c का value जब substitute करेंगे तो हमारा value हो जाएगा v square is equal to mu a square minus mu x square, और v is equal to mu common a square minus x square. Square root निकाले तो ये हो जाएगा plus minus root mu root over a square minus x square, plus minus x is equal to dx by dt, क्योंकि हम लोग v is equal to जानते हैं dx by dt होता है, so it is plus minus root mu root over a square minus x square. Now proceeding with the positive sign, positive sign को assume करेंगे, negative sign को यहाँ पे हम लोग neglect करेंगे, so we have dx divided by, इस term को हम लोग यहाँ लेके आए, so dx divided by root over a square minus x square minus mu dt. Now integrating both side, dx divided by root over a square minus x square is equal to root of mu dt plus a constant. We know that the integration is the standard limit, standard is the integration, is the integration of the sine inverse x by a mu, integration of dt is equal to t and a constant, so this constant is called alpha. Alpha on the half is equal. Now sine inverse x by a is equal to mu t plus a. तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन को हम लोग इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ म्यू टी प्लस अल्फा, और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे हो जाता एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन म्यू टी प्लस अल्फा, साइन म्यू टी प्लस अल्फा, और ये वाला ए जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन म्यू टी प्लस अल्फा. If we proceed with the negative sign of the solution, will be found to be a same form. Negative sign से भी अगर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो भी हमारा यही equation आए. X is equal to a sin mu t plus alpha. We know that the sin repeats its value at the interval of 2 pi. Sin जो है, sin function का जो period होता है, 2 pi, 360 degree के बाद same angle repeat करता है.
इसका इंटरवल जो है पीरियडिसिटी जो होता है वो 2 पाई होता है, हेंस x विल आल्सो रिपीट इट्स वैल्यू एट द रेगुलर इंटरवल, दैट मींस 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगा। दिस मींस दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ऑसिलेटरी मोशन एंड द इंटरवल आफ्टर विच इट रिपीट्स इट्स मोशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो क्लियरली मोशन इज रिपीटेड व्हेन वैल्यू इज 2 पाई, अगेन 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई प्लस 2 पाई, 6 पाई, 6 पाई प्लस 2 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट इट एज, यहां से अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस, ये अल्फा इधर जाएगा, 2 पाई माइनस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय रूट। उसी तरह से इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 4 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय रूट, या फिर इस दोनों थर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करें तो 6 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाय रूट। देयरफॉर कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, ये हो गया 2 पाई इंटरवल के साथ, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस, तो 2 पाई डिवाइड बाय रूट म्यू, और रूट म्यू यहां से हो जाएगा 2 पाई बाय। तो ये जो रूट म्यू का जो हमारा इक्वेशन था, यहाँ पे इस रूट म्यू के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, रूट म्यू के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 2 पाई बाय टी। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी प्लस अल्फा। 2 पाई बाय टी जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डिनोट होता है, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस। The constant of integration alpha determines the initial state of the motion of the particle. Initially, particle का क्या state था, किस position पे था, उसको ये express करता है। The state of the motion of the particle is called the phase of the particle. इसको हम लोग phase of the particle भी कहते हैं। Thus, the constant of integration determines the initial phase of the particle. It is called the epoch. याद रखने की जरूरत है ये। The value of epoch depends upon the instant form which अल्फा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री पे हमको इनिशियल फेज हमको मिलेगा। नाउ वी, इसका हम लोग वी निकाले, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो dv / dx हो जाएगा, dv dx / dt या दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू a sin का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन cos, सो इट इज cos ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, सो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस। एट t इज इक्वल टू 0 v इज पॉजिटिव इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव एंड अल्फा इज इक्वल टू 5। दैट मींस हम लोगों ने दो वैल्यू लिया अल्फा का, जब हम अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 0 डिग्री हो, cos के रिस्पेक्ट में यहां पे जब हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पे हमारा v का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos पॉजिटिव होता है cos 0 डिग्री पे, और cos 180 डिग्री पे cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो हमारा v जो है उस केस में नेगेटिव होगा। तो दैट v इज पॉजिटिव फॉर 0 and v is negative for 5. Since we recall time when the particle passes through its mean position to the right, out of two possible values 0 and pi, the former is called acceptable. That means पहले वाले value को हम explore करते हैं, that is suppose is 0, if we recall the negative value, हम लोग velocity का नहीं ले रहे हैं, positive value को ही consider कर रहे हैं, positive value हमारा क्या आ रहा है, alpha is equal to 0 पे. So the former is acceptable and thus epoch is 0 if we record time from instant when the particle passes through its mean position. In this case, displacement at any instant is given by x is equal to a sin omega t. Alpha ka value yahan par jo ki hum logon ne 0 assume kiya. So alpha 0 ho gaya, so x is equal to a omega t, a ke mein rakhiye. Now, velocity of the particle executing simple harmonic. So as we know that the expression of x is equal to a sin omega t plus alpha, therefore v is equal to dx by dt, a omega cos omega t plus alpha. Now maximum value is where hum log manenge v is equal to v max cos omega t plus alpha. V
वी मैक्स का वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर किया है ए ओमेगा। सो ए ओमेगा यहाँ पे इसको याद रखना है कि ए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ए हमारा मैम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सुपर हार्मोनिक मोशन, सो व्हेन द पार्टिकल इज टाइम्ड विद द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन में हमारा क्या होता है अल्फा फेज जो है वो जीरो होता है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अल्फा जीरो। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन v is equal to a omega root over 1 minus x square by a square, ये कहां से है? As we know that the value of x is equal to a sin omega t, alpha का 0 हम लोग यहां पे put करते हैं, तो यहां से sin omega t is equal to क्या हो जाएगा x by a, और cos जो omega t होता है या cos theta is equal to क्या होता है root over 1 minus sin स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू यहां से क्या आया मेरा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाय ए व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे हम लोगों ने पुट किया तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, से रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस एलसीएम हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नीचे में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का रूट क्या होगा a, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलस में यहाँ पे अभी हम लोगों ने f से डिनोट किया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv / dt। नाउ v इज इक्वल टू v इज a cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, a cos omega t plus alpha, अभी alpha हम लोगों ने zero यहाँ नहीं किया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे t के respect में इसको integrate करेंगे, cos का integration हमारा होता है minus of sin omega t और omega t का integration differentiation हो जाएगा omega, so omega into omega a omega square sin omega t plus alpha, when the particle is timed with the mean position alpha is equal to zero, जब alpha is equal to zero हम assume करेंगे, so f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अल्फा यहाँ पे जीरो हो गया। Therefore, but we know that x is equal to a sin omega t plus alpha, ये मेरा जनरल इक्वेशन है जब अल्फा इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीधे इसके जगह पे सीधा सीधे हम लोग x पे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों ने a sin omega t के जगह पे क्या लिखा है x, तो ये x जो है यहाँ पे पुट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये a sin omega t, इसका वैल्यू क्या है x, so f is equal to क्या हो जाएगा acceleration is equal to minus omega square, so these are the elementary expression of displacement x and then velocity and the acceleration. Now in the next class we will discuss about the energy term, what is kinetic energy, what is potential energy and what is total energy, how the value of these three energies can be calculated with the help of calculus and their